over these reports before the meeting and please overlook grammatical mistakes. यहाँ मैंने use किया look over and overlook. फर्क क्या है Look over पहला फर्क तो यह है कि look over जो होता है वो एक phrasal verb होता है और जो overlook word है वो as a verb भी use होता है and as a noun भी use होता है We will see that later. अभी हम uh, meaning का difference देखते हैं तो लुक ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ को क्विकली एग्जामिन करना जैसा कि सेंटेंस में था प्लीज़ लुक ओवर दिस रिपोर्ट्स बिफोर द मीटिंग यानी कि मीटिंग के पहले आप एक बार इनको एग्जामिन कर लेना ये रिपोर्ट्स इनके डेटास ठीक है यू कैन आस्क योर टीचर प्लीज लुक ओवर माय होमवर्क और द नोट्स इस तरह से दूसरा जो वर्ड है ओवर लुक ओवर लुक के यूजेस कई तरह से होते हैं इनके कई मतलब होते हैं पर uh, जो Uh, यहाँ पे यूज़ किया गया है इस सेंटेंस में प्लीज़ ओवरलुक द ग्रामेटिकल मिस्टेक यहाँ इसका मतलब है कि नज़रअंदाज कर देना किसी चीज़ को कि उसे इग्नोर कर देना ध्यान मत देना उस पर जैसा कि है ये लाइन कि आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन रिपोर्ट्स के देखना बट अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो तो आप उसे नज़रअंदाज कर देना ये इसकी एक मीनिंग हो गई दूसरी है कि आप किसी चीज़ कि, कि, किसी को फॉरगिव करना या प्रटेंड करना कि आपने नोटिस नहीं किया मान लो किसी का रूड बिहेवियर है और दिस टाइम आप सोच रहे हो चलो इसको मैं छोड़ देता हूँ फॉरगिव कर देता हूँ मैं इसको कुछ नहीं बोलता हूँ तो इसके लिए आप बोल सकते हैं दिस टाइम आई हैव ओवर हिज टिज रूड बिहेवियर बट इन फ्यूचर ही शुड बी केयरफुल मतलब कि इस टाइम के लिए आपने इग्नोर कर दिया माफ़ कर दिया ऐसा आप कह सकते हैं तो ये किसी पर्सन के लिए भी यूज हो सकता है या किसी चीज़ के लिए भी ऐसे यूज कर सकते हैं तो दोनों लगभग मिलती जुलती से ही मीनिंग्स uh, हैं एक तो कि मतलब आपसे गलती से कुछ छूट गया जैसे गलती से छूट गया का एक और चीज़ ये हो सकता है कि Uh, you may have uh, overlooked the important clue in the investigation. कोई investigation चल रही है उसमें एक clue आपसे छूट गया होगा तो ये overlooked यहाँ भी यूज हो रहा है या तो आपसे वो चीज़ गलती से छूट जा रही है या आपने इग्नोर किया किसी चीज़ को किसी को माफ कर दिया ऐसी चीज़ के लिए एक और सेंटेंस से देखते हैं कि नो वन बी ओवर लुकड वेन इट कम्स टू द सेलेक्शन फॉर द टीम यानी कि जब ऐसा सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा होगा तो किसी को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा सब पे ध्यान दिया जाएगा तो नो वन विल बी ओवर ये हो गया एक ओवरलुक का यूज इस तरह से होता है कि जैसे हम बातचीत में कहते हैं ना कि हमारी खिड़की से स्विमिंग पूल दिखाई देता है हमारे अपार्टमेंट से स्विमिंग पूल दिखाई देता है तो ऐसी इसके लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि स्विमिंग पूल इज सॉरी आवर अपार्टमेंट ओवर द स्विमिंग पूल और द होटल रूम वी बुकड वन वी वेंट टू एनी प्लेस लाइक शिमला इट ओवर लुक द वैली व्यू ऑफ वैली यानी कि उस होटल रूम से वैली दिखाई देता था एक प्रिटी व्यू तो किसी भी चीज का कहीं से और जनरली ये अबव से बिलो के व्यू के लिए किसी ऊंचाई से आप कहीं देख रहे हैं तो उसके लिए ओवर वर्ड यूज होता है अब एज अ नाउन क्या यूज होता है अच्छा आप ये घूमने वाली प्लेसेस पे हिली रीजनस में अगर आप जाते हो तो वहाँ कई सारे उनने सेट कर रखे होते हैं ये सनसेट पॉइंट है ये सनरेज पॉइंट सनराइज पॉइंट है वैल्यू व्यू ऐसी ऐसी चीज़ें तो जो ऐसे पॉइंट्स होते हैं ना हम उन्हें भी ओवर कह सकते हैं जहाँ पे जाके स्पेशली आप सैनिक ब्यूटीज देखते हों कुछ मतलब लार्ज एरिया को कहीं से एक पर्टिकुलर पॉइंट फिक्स किया हुआ हो तो उसको हम ओवरलुक्स कहते हैं Uh, जैसे कि देर आर देर आर लॉर्ड्स ऑफ सैनिक ओवर लुक्स अलॉन्ग द रोड टू शिमला तो यानी कि उस रोड से बहुत सारे ऐसे ओवर लुक्स यानी वो पॉइंट्स तो ये नाउन की तरह का यूज हो गया तो so, ये था हमारा लुक ओवर एंड ओवरलुक मिलते जुलते से वर्ड्स हैं बट इनमें जो डिफरेंस है वो हमने देखे तो ये डिफरेंस क्या होते हैं ना मतलब ऐसे ये कोई याद बात करने की चीज़ नहीं होती है इनका कोई ट्रिक नहीं होता है एक ही बात है कि आप जितनी बार 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 इन चीज़ों को पढ़ोगे रिपीट इनके यूजेस सीखोगे फिर आ, मतलब ये हमें डिफ्रेंशिएट होते जाते हैं कि इनको हमें किस तरह से यूज़ करना होता है और हमारी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो जाती है